दिल्ली के झंडेवालान स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से हथियारों की खेप बरामद की गई है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर कुछ फेसबुक पोस्ट में किए जा रहे हैं। इस दावे में नंगी तलवारों व चाकुओं की कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। फेसबुक यूजर अनिल विजय ने 3 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के झंडेवालान स्थित आरएसएस कार्यालय से बरामद हथियारों की खेप मिली है। उनके इस पोस्ट को 500 से ज्यादा लोगों ने शेयर भी किया है। अब इस फोटो की असलियत जानिए। असल में यह तस्वीर पंजाब के पटियाला स्थित एक कृपाण फैक्ट्री की तस्वीर है। खालसा कृपाण नामक इस फैक्ट्री के मालिक बचन सिंह हैं। इस फोटो को कुछ साल पहले ही उनकी फैक्ट्री में आए कुछ सैलानियों ने खींची थी, जबकि दूसरी फोटो मार्च 2016 की है, जब गुजरात पुलिस ने राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर स्थित एक दुकान पर छापा मारकर वहां से खुलेआम बिकने वाले हथियारों को जब्त किया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले दिनों दिल दहलाने वाली हिंसा हुई, ऐसे में दुष्प्रचार गिरोह इस कोशिश में है कि किस प्रकार से दिल्ली को आग के हवाले करने वाले जिहादी उन्मादियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का नाम इस हिंसा में बराबर जोड़ा जाए। इसी के तहत सोशल मीडिया में संघ कार्यालय से हथियार मिलने का मनगढ़ंत दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि संघ समाज और राष्ट्र के निर्माण में सामाजिक समरसता और बंधुत्व के भाव को लेकर आगे बढ़ता आया है। इसका प्रमाण उसके 90 वर्ष की यात्रा है। इस प्रकार से सोशल मीडिया में किया जा रहा ये दावा पूरी तरह से झूठा है।